टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 11। इस एक्सरसाइज में हम आपको रिलेशन एंड फंक्शंस जो चैप्टर का नाम है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करवाएंगे और रिलेशन से क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 2.2 में। तो हमने यहाँ पे देखो फर्स्ट टू क्वेश्चंस लिखे हैं उसके। यहाँ पर देखो लेट पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 एलिमेंट्स हैं और डिफाइन आर आर रिलेशन है कहां से कहां तक फ्रॉम ए टू ए है बाई आर। ये मेरे पास इसके अंदर एक्स एंड वाई के अंदर रिलेशन है क्या है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और राइट आपको करना है डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले आप लोगों को जो दे रखा है आप इसका सॉल्यूशन जैसे ही आप सॉल्यूशन करोगे तो गिवन का जो भी दे रखा है वो आप लिख दीजिए। सबसे पहले वी हैव गिवन सेट मेरे पास क्या है ए ए में एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है। आर रिलेशन डिफाइन कर रखी है हमें एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और ये जो एक्स और वाई दोनों सेट ए में बिलोंग करते हैं ध्यान रखें बात क्योंकि दोनों ए टू ए है इट मींस जो मेरे पास दोनों जो एलिमेंट जो जो दोनों सेट है वो ए में बिलोंग करेंगे। तो पहले आप देखो यहां से ये रिलेशन है एक्स एंड वाई के अंदर आप बाहर निकाल लीजिए वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यही होगा। तो आप पुट करिए एक्स की वैल्यू क्या लोगे आपको पता है एक्स और वाई दोनों ए से लेने हैं तो सबसे पहले ए में क्या एलिमेंट है 1 पुट एक्स इक्वल टू 1 देन बताओ वाई क्या आएगा 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 मेरे पास आ गया 2। उसके बाद आप एक्स लीजिए 2 देन वाई क्या आएगा 2 प्लस 1 आ गया 3। उसके बाद x इक्वल टू 3 लीजिए देन y क्या आएगा 3 प्लस 1 4 होगा। फिर x इक्वल टू आप 4 लीजिए तो y क्या आएगा 5 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। x आप 5 लीजिए तो y क्या आएगा 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। x आप 6 लीजिए तो y क्या आएगा 6 प्लस 1 7। ये a में बिलोंग नहीं करता तो इसको हटा देंगे हम। तो आप मुझे बताओ कि रिलेशन आर में एलिमेंट्स का पेयर बनाइए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है सारे लिख दीजिए। तो पहले एक्स का लिखेंगे क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 6, 7 रिजेक्ट होगा क्योंकि 7 इसमें बिलोंग नहीं करता है। तो आपके पास ये क्या आ गई आर आ गई रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब आप लोग क्या निकालोगे डोमेन फाइंड करना है आपको डोमेन। तो आप बताओ डोमेन क्या है इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा रिलेशन का वो डोमेन रहेगा। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 1, 2, 3, 4, 5 रेंज क्या रहेगा सेकेंड कंपोनेंट क्या है बताओ 2, 3, 4, 5, 6 क्लियर। तो ये डोमेन और रेंज दोनों आपको समझ में आई होंगी बड़ी सिंपल है और आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आप सॉल्यूशन सेकंड का करो देखो सेम सेम लग रहे हैं। पहले आप लिख दीजिए ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है सेट ए में एलिमेंट्स है 1, 2, 3 सेट बी में एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3, 4 और आपको क्या दे रखा है यहां से एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। इसका मींस आप समझते हो कि एक्स है वो सेट ए में है और वाई है वो सेट बी में है क्लियर। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी इट मींस होता है जो एक्स है वो ए में बिलोंग कर रहा है वाई है बी में बिलोंग कर रहा है रिलेशन सेम है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। सबसे पहले आपको ए कार्टेशियन बी निकालना है तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है ए कार्टेशियन बी आप इजीली कर सकते हो कार्टेशियन भी हमने आपको सिखाया है। फर्स्ट सेट ए का एलिमेंट हम लेंगे तो एक एलिमेंट 1 है 1 का पेयर सभी बी के एलिमेंट्स के साथ करो तो ये आएगा 1, 1, 2, 3, 4 फिर उसके बाद सेकंड 2 एलिमेंट लीजिए इसका पेयर बनाओ 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4 होगा। उसके बाद सेकंड है थर्ड एलिमेंट 3 लेंगे बी के साथ पेयर बनाओ तो यहां से 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4 तो आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ए कार्टेशियन बी। उसके बाद राइट
आर इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको पता है यही सेम टू सेम रिजल्ट्स हैं हमारे। सबसे पहले आप लोग क्या लोगे कि यहां से आप लोग लोगे एक्स इक्वल टू वन, क्योंकि आपको पता है जो x की वैल्यू सेट से लेनी है तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 इसमें बिलोंग कर रहा है। फिर x लोगे 2 तो y क्या आएगा 2 प्लस 1 3 बिलोंग कर रहा है। उसके बाद आपने 3 लिया तो यहां से y आएगा 3 प्लस 1 4 बिलोंग कर रहा है। तो आपके पास क्या आया 1 2 2 3 एंड 3 4। तो ये आपके पास आ गया किसका आर हमारी रोस्टर फॉर्म जो सेकंड जो क्वेश्चन है। उसके बाद आपको बोल रहा है डोमेन और रेंज। तो फर्स्ट कंपोनेंट इसका क्या है 1 2 3, ये इसकी डोमेन है। सेकंड कंपोनेंट क्या है 2 3 4, ये क्या है इसकी रेंज है। क्लियर? ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये हमारा सेकंड पार्ट था, ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब हमारा फोर्थ पार्ट है रिप्रेजेंट इन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में हम क्या करेंगे, मेरे पास हम ये लिखेंगे ये ए है, ये सेट बी है, ए में 1 2 3 2 3 4 5। तो 1 का पेयर 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, यही होगा। सॉरी यहां पे 1 लिख दो क्योंकि आपके पास 5 नहीं है, 1 है। तो आपके पास ये कौन सा है एरो डायग्राम मेथड। तो आपने इसमें जो चार क्वेश्चंस करे, एक कार्टेशियन भी रोस्टर फॉर्म में लिखना, रो डोमेन रेंज निकालना और एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने इसमें करवाए हैं आपको। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख, मेरे पास है लेट सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 अप टू 25 है। उसके बाद आर इज द रिलेशन, रिलेशन क्या है इज 1/4। क्या रिलेशन दे रखा है आपको, इज 1/4। इन ए सेट ए राइट आर एज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन ए, फाइंड डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले आप लोग लिख दो जो आपके पास गिवन है, क्या गिवन है आपके पास, ए सेट है 1 2 3 up to 25। अब देखो यही मैं लिख रखा है, अगर आपको है ना इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो आर सच दैट एक्स वाई, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू ए। क्लियर? क्या लिखोगे, मैंने बताया था रिलेशन जब भी आपको लगानी हो एक्स और वाई के बीच में लेंगे, तो आप क्या लिखोगे x इज पहले x और फिर y लिखा जाएगा हमेशा, x इज 1/4 ऑफ y, x इज 1/4 ऑफ y। देखो इट मींस क्या है, जो x की वैल्यू है वो y से 1/4 है, मींस x इक्वल टू 1/4 y आएगा। अगर आप y लिखते हो यहां से दैट इज y लिखते हो तो 4x होगा, क्या रहेगा y इज इक्वल टू क्या रहेगा 4 इंटू एक्स रहेगा, x का 4 टाइम्स रहेगा। तो आपके पास रिलेशन बढ़ के आ गई यहां से, अब क्या रखोगे कि सबसे पहले y इज इक्वल टू 4x। आपको पता है x की वैल्यू क्या होगी, x और y दोनों सेट ए से लेंगे हम, तो सबसे पहले आप पुट क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 1 करोगे, 1 देन y क्या रहेगा, y 4 इंटू 1 4 आएगा। फिर x 2 लोगे y क्या आएगा 4 इंटू 2 8 आएगा। फिर x 3 लोगे y क्या आएगा 4 इंटू 3 12 आएगा। उसके बाद x 4 लोगे y क्या आएगा 4 इंटू 4 16 आएगा। फिर x 5 लोगे तो y क्या आएगा 4 इंटू 5 20 आ गया। फिर x 6 लोगे तो y क्या आएगा 4 इंटू 6 24 आ गया। फिर x 7 लोगे तो y क्या आएगा 4 इंटू 7 28, बट 28 इसमें बिलोंग नहीं करता तो ये हम रिजेक्ट करेंगे, यहां तक नंबर लिया जाएगा। अब आप लोग देखिएगा कि रिलेशन r में क्या क्या पेयर आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो सबसे पहले x 1 तो 1/4, 2/8, 3/12, 4/16, 5/20, 6/24 यहां तक आएगा। तो ये मेरे पास आ गई आर रिलेशन आ गई। अब आप इसमें डोमेन और रेंज निकालोगे तो डोमेन मैंने क्या बताया था, फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन रहेगा और सेकंड कंपोनेंट रेंज रहेगा। तो डोमेन इसका क्या आएगा, फर्स्ट 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 है कंपोनेंट। और सेकंड कंपोनेंट रेंज तो क्या क्या है,
फोर एट ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी फोर, तो आपके पास डोमेन और रेंज आ गया है ये, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है यहां पे। अब उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या है नेचुरल नंबर्स का हमारा सेट है, और इसके अंदर जो आर रिलेशन है वो डिफाइन कैसे कर रखिए, ए आर बी, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू इलेवन है, डोमेन और रेंज निकालनी है। देखो इसमें हमारे पास ये हम भूल गए, यहां से 16 भी था तो यहां पर एक एलिमेंट 16 और आएगा, तो 4 8 12 16 20 एंड 24 आने वाला है। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप जो भी आपको लिख रखा है गिवन में सबसे पहले वो लिख दीजिए। आपको पता है सेट तो नेचुरल नंबर्स का है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं सभी को पता है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी होते हैं। अब आर इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हो, ए बी लेके चलते हो और ए बी बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि ये है ए प्लस टू बी इज इक्वल टू इलेवन, यही रिलेशन है। अब आप लोग देखो जो रिलेशन आप वो लेके चलो a प्लस टू बी इज इक्वल टू इलेवन, सो a क्या आएगा 11 माइनस टू बी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आपको पता है a और b दोनों नेचुरल लेंगे हम, तो आप रख दीजिए कि सबसे पहले पुट b इज इक्वल टू 1, तो a क्या आएगा 11 माइनस टू इंटू 1 ये आ जाएगा 9, फिर b इज इक्वल टू आप 2 लोगे तो a क्या आएगा 11 माइनस टू इंटू 2, तो 11 माइनस 4 होगा 7। उसके बाद b की वैल्यू 3 लोगे तो a क्या आएगा 11 माइनस 2 इंटू 3, 11 माइनस 6 होता है 5। b इज इक्वल टू 4 लोगे तो 11 माइनस 2 इंटू 4 यह आ जाएगा 3। फिर b इज इक्वल टू 5 लोगे तो a क्या आएगा 11 माइनस 2 इंटू 5 यह आ गया 1। फिर b इज इक्वल टू 6 लोगे तो a क्या आएगा 11 माइनस 2 इंटू 6 ये माइनस 1, ये नेचुरल नहीं है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी लेंगे नेगेटिव आएगा। अब आप बताओ आर रिलेशन के अंदर क्या क्या पेयर आए कि यहां से आप देखो पहले एक सेट लिखा जाएगा 9,1 7,2 5,3 3,4 और 1,5 ये आगे रिलेशन। अब इसमें डोमेन की अगर हम बात करें, डोमेन क्या आएगा फर्स्ट कंपोनेंट ए 9,7,5,3,1, रेंज क्या आएगी रेंज सेकंड कंपोनेंट 1,2,3,4,5। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन फोर्थ कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करवाएंगे। देखो फिफ्थ क्वेश्चन ऊपर आपके पास लिख रखा है, क्या क्वेश्चन है फिफ्थ, इसके अंदर आप देख रहे हो कि मेरे पास आर कोई रिलेशन है, रिलेशन किस फॉर्म में है लेस देन की फॉर्म में, फ्रॉम ए है 1,2,3,4,5 टू बी है 1,4,5, राइट डाउन द कार्टिजन प्रोडक्ट कोरस्पॉन्डिंग टू आर, फाइंड द इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन अगर हम इसका करते हैं तो आप सबसे पहले गिवन में है वो लिख दीजिए, क्या गिवन है मेरे पास, वी हैव गिवन, गिवन है सेट ए 1,2,3,4,5, सेट बी गिवन है 1,4,5। आपको सबसे पहले कार्टिजन प्रोडक्ट कोरस्पॉन्डिंग टू आर, आर रिलेशन निकालना है। अब रिलेशन क्या है लेस देन है, मान लीजिए आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हो, अगर यहां से आप एक्स वाई एलिमेंट लेके चलते हो और एक्स बिलोंग्स टू सेट ए में वाई बिलोंग्स टू सेट बी में और लेस देन है, इट मींस एक्स इज लेस देन वाई, आपको ये हमने बताया था जो रिलेशन रहेगी वो एक्स वाई के बीच में आएगी, तो इसका मींस एक्स लेस देन वाई हम ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आर में क्या क्या आएगा वो सब आपको पता है। तो पहले देखो ए का लेना है, वन किस किस से लेस है छोटा है, तो 1,4 से है, 1,5 से, क्लियर हुआ। उसके बाद आप देखो 2 किस किस से लेस है, 2,4 से है, 2,5 से। उसके बाद आप देखो 3 किस से है, 2,4 से है, 3,4 से है, 3,5 से है। नेक्स्ट एलिमेंट 4 लेंगे, 4 लेस किस से ओनली 5 से है, दूसरा एलिमेंट बी में से ले रहे हैं। और अब हम 5 लेंगे, 5 किसी से लेस नहीं है,
ये आर आ गई। उसके बाद आप आर इनवर्स जैसे ही निकालोगे तो क्या करोगे, इसमें डोमेन को रेंज में कर दोगे, कन्वर्ट इसके अंदर 1551 42 52 43 53 54 ये आपके पास आएगा। तो ये आर इनवर्स आ गया है। तो चलो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 हमने करवाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लिखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बच गए 2.2 एक्सरसाइज के, नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन वो हम करवाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।